बताएं कि लखनऊ में आज एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली, और कल रात से ही बल्कि कहें कि ये तस्वीर देखने को मिल रही थी, क्योंकि सियासत का एक जुदा अंदाज जयंती पर देखने को मिला। बात अब उसी की करेंगे। सुरक्षा के साथ ले जा सकते थे, लेकिन सुरक्षा इसलिए लगाई इन्होंने कि हम जा ना पाए। सुरक्षा कारणों से लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उस स्थान को प्रतिबंधित कर रखा। मूर्ति पर माल्यार्पण न करने देना, ये बहुत ही घटिया और शर्मनाक हरकत है। श्रीमान अखिलेश यादव जी, जिन महापुरुषों का नाम लेकर के आप राजनीति कर रहे हैं, क्या उनके आचरण का छटाक भर भी आपने पालन किया है? समाजवादी पार्टी ने आज जमकर बखेड़ा खड़ा किया है लखनऊ में, और ये सब कुछ हुआ है अखिलेश यादव की एक जिद की वजह से। अखिलेश यादव दरअसल जयप्रकाश नारायण, लोकनाथ जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते थे, माल्यार्पण करना चाहते थे उनकी जयंती पर। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत वहां खड़ी हुई जहां एक निर्माणाधीन इमारत JPNIC, जी हाँ, उसके अंदर जाने की जिद ठान ली अखिलेश यादव ने, और उसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। सवाल यही बना हुआ है, श्रद्धांजलि तो किसी को भी कहीं भी अच्छे मन से अर्पित की जाती है, उसी इमारत के अंदर जाने की ऐसी जिद क्यों थी? आज इसी पर आपको जानकारी देने वाले हैं। दरअसल ये तस्वीर एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखी समझी जा सकती है, क्योंकि आपको बताएं कि 10 जगहों पर उपचुनाव हैं, और उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के बाद खुद को मजबूत महसूस कर रहे हैं, कुछ इसी तरह से लग रहा है ऐसा। क्यों हम आपको कह रहे हैं ऐसा, आपको बताएं, यूपी में उपचुनावों से पहले ही समाजवादी पार्टी ने नया दांव खेल दिया है। जेपी को श्रद्धांजलि देने के बहाने समाजवादी पार्टी ने जमकर हंगामा किया है। अखिलेश जेपी इंटरनेशनल सेंटर पर श्रद्धांजलि के लिए अड़े रहे। बिल्डिंग में निर्माण की वजह से उन्हें इजाजत नहीं मिली, निर्माणाधीन बिल्डिंग थी, और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता भी पहुंच गया, और उसके बाद जमकर हंगामा हुआ है। जी हाँ, जमकर हंगामा हुआ है, और अखिलेश की जिद की वजह से फोर्स की तैनाती भी करनी पड़ी। जेपी सेंटर को टिन शेड लगाकर ढकना पड़ा। ये तस्वीरें सामने आई, और इसको लेकर ऐसा लग रहा है कि ये मौका तो जयंती का था, श्रद्धांजलि अर्पित करने का था, लेकिन इसे अलग ही दौर में ले जाने की कोशिश कर रहे थे अखिलेश यादव। चलिए आपको पहले दो तस्वीरें हम दिखा देते हैं। दो तस्वीरें आपके लिए देखना जरूरी इसलिए, पिछले साल की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां आप ये देख रहे हैं जो फांद कर जा रहे हैं, जी आप सही पहचान रहे हैं, वो अखिलेश यादव ही हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, और वो कूद कर जा रहे हैं अंदर माल्यार्पण करने जेपी की जयंती पर, जननायक की जयंती पर इस तरह से जा रहे हैं अंदर माल्यार्पण करने। तब भी इस तरह का सियासी स्टंट खेला गया था, और आज की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आप देख रहे हैं अखिलेश यादव को देख रहे हैं, ये जयंती पर संग्राम की आज की तस्वीर है। ये दोनों तस्वीरें तो हमने आपको दिखा दी कि किस तरह से एक अलग माहौल खड़ा करने की कोशिश हुई है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये जयंती को लेकर था, लेकिन ये ऐसा नहीं था। कैसा था, पहले आपको तस्वीर दिखा देते हैं। आपको बताएं कि ये शुरुआत जो अभी हमने आपको तस्वीर दिखाई, ये सुबह की तस्वीर थी, रात में तो और ही हंगामा हुआ, एक अलग ही अंदाज में अखिलेश यादव दिखाई दिए। ये रात की तस्वीर दिखा रहे हैं, जरा ऑडियो ऑफ करिएगा और ये तस्वीर दिखाइए, जरा ऑडियो ऑफ करके ये तस्वीर दिखाइए कि कैसे रात में पहुंचे थे, पहले देखने की इस बार कूद के फांद के पहुंच पाएंगे कि नहीं। देखिए ये क्या लिख रहे हैं, बेचारा गरीब आदमी है, जा भाई। तो और हम भी लिख सकते हैं पेंट से, ब्रश पेंट से तू लिख दे भाई, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। तो देखिए वहां पर एक पेंटर था जो शायद LDA के निर्देश पर ये लिखने पहुंचा था कि ये निर्माणाधीन बिल्डिंग है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जब रात में पहुंचे तो उन्होंने क्या लिखवा दिया, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, ये उन्होंने लिखवा दिया। ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं, और ये रात की थी, और सुबह की तस्वीर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं पूरी भीड़, ये पहुंची है अपने मुखिया के आदेश पर, ये पहुंची है समाजवादी पार्टी अध्यक्ष के आदेश पर, और जोरदार हंगामा यहां होता दिखाई दे रहा है। जय प्रकाश नारायण की तस्वीर लेकर पहुंचे हैं, और जोरदार हंगामा यहां पर देखा गया। यह हंगामा इसलिए किया गया क्योंकि मांग थी कि अंदर जाना है, JPNIC के अंदर जाना है, जो बंद है, जो निर्माणाधीन है। इस दौरान बड़ी
संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, हो हंगामा हुआ, बैरिकेड्स तोड़े गए, क्या कुछ वहां सूरत हाल था? हमारे सहयोगी अजय की आपको उस वक्त की रिपोर्ट, सुबह की रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको। आपको पुलिस की तरफ ये कार्यकर्ता अब भड़ककर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, नारेबाजी करते हुए बैरिकेटिंग के सामने जाकर जोरदार नारेबाजी करके पुलिस को चुनौती देते हैं। ये सपा के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। ये बैरिकेटिंग के पास पहुंचकर कार्यकर्ता हाथापाई पर आमादा होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए कैसे यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेटिंग लगाकर रोक रखा है, रास्ते को रोकने की कोशिश की जा रही है। और देखिए बल्लियों पर चढ़ते हुए कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, बल्लियों पर चढ़कर ये कार्यकर्ता पार करने की कोशिश कर रहे हैं, बैरिकेटिंग में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो पुलिस ने रोकने के इंतजाम किए हैं, देखिए ये यहाँ पर बैरिकेटिंग पर चढ़कर पार करने की कोशिश करते हुए झंडा लेकर लहराते हुए समाजवादी पार्टी के ये कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। हंगामा हुआ, उसके बाद वहां लखनऊ पुलिस की टीम पहुंचती है अखिलेश यादव के घर, उनसे समझाइश करती, उन्हें बताती है, और उसके बाद ये माल्यार्पण, वो खुद ही प्रतिमा लाते हैं, खुद ही माला लाते हैं और कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचते हैं और माल्यार्पण कर देते हैं। ये तस्वीर सामने आई है और इसको लेकर हमने अखिलेश यादव से बात भी की कि आखिर इस तरह से हो हंगामा क्यों कर रहे हैं जयंती पर। सुनिए जरा उन्होंने क्या जवाब दिया है। देखिए बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि लोकतंत्र को, और लोकतंत्र में जिनकी वजह से लोकतंत्र है उनका सम्मान करें। जयप्रकाश जी स्वतंत्रता आंदोलन में थे, जयप्रकाश जी भारत के भारत रत्न हैं, जननायक जयप्रकाश जी, जिनका बड़ा योगदान है लोकतंत्र को बनाने में, जो आज लोकतंत्र दिखाई दे रहा है वो उन्हीं का योगदान, उन जैसे हजारों लाखों लोगों की वजह से। गांधीवादी जयप्रकाश जी, गांधी जी के साथ काम करने वाले, उनका अगर जयंती नहीं मनाने दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये लोकतंत्र के खिलाफ हैं, संविधान बनाने वालों के खिलाफ हैं ये लोग। इसी फोर्स से ये हमें सुरक्षा के साथ ले जा सकते थे, लेकिन सुरक्षा इसलिए लगाई इन्होंने कि हम जा ना पाएं। आप सुन रहे हैं अखिलेश यादव, ये कह रहे हैं कि उन्हें इसलिए सुरक्षा लगाकर रोका गया जिससे कि वो जा ना पाए। लेकिन आपको बताएं, एलडीए ने पहले ही लेटर लिखकर कहा था कि वहां पर वो निर्माणाधीन बिल्डिंग है, वहां पर मलबा पड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे में ना जाएं, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी सुरक्षा मिली हुई है और जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। लेकिन चलिए आपको बता देते कि ऐसा कर क्यों रहे हैं अखिलेश यादव, इसके पीछे अंदर की खबर क्या है, समझिए। यूपी में देखिए 10 सीटों में उपचुनाव होने वाले हैं और अखिलेश यादव साइकिल पर निकले हुए हैं, उनके साथ उनके कार्यकर्ता भी इस चुनाव में फतेह के लिए निकले हुए हैं। उपचुनावों से पहले जोर आजमाइश चल रही है, शक्ति प्रदर्शन चल रहा है और श्रद्धांजलि के बहाने सरकार पर निशाना साधने का एजेंडा है। इसके अलावा क्या है, जेपी को ढाल बनाकर सपा का शक्ति प्रदर्शन है, यह बताने की कोशिश है कि हम जुट चुके हैं, एकजुट हो चुके हैं। अखिलेश ने सपा कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश की है उपचुनावों से ठीक पहले। जेपी सेंटर को भी हाईलाइट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि जेपी से उनका मतलब है, जननायक को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, बल्कि वो जेपी एनआईसी का नाम सामने लाना चाहते हैं, क्योंकि आपको बताएं कि इसका निर्माण समाजवादी पार्टी शासन में हुआ था और ये ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता था अखिलेश यादव का, जिसमें अभी काम चल रहा है।